मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। कि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मैं देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग, कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए। जब हम 3 विधायक यहाँ पहुंचे हुए, तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुंच जाएंगे। तो सभापति महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अब जब CM साहब यहाँ रिप्लाई बजट पास कराएंगे, तो मेवात के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के काम की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।